अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है 13 अगस्त और इस वक्त मैंने अपनी वीडियो शूट करना शुरू कर दी है कि और मैं आपसे आगे हर चीज़ शेयर करती जाऊंगी कि हमने 14 अगस्त किस तरह मनाई। और इस वक्त तकरीबन 1 घंटा रह गया है 14 अगस्त शुरू होने में, तो इस वक्त हम थोड़ा सा बाहर आए हैं कि चले आपको दिखाते हैं 13 अगस्त की रौनक और फिर उसके बाद 14 अगस्त की भी। और इस वक्त जब हम घर से निकले तो बारिश शुरू हो गई, तो अभी तकरीबन 10 मिनट ही बारिश हुई है और अच्छी खासी तेज़ बारिश शुरू हुई है। तो अब बारिश हो गई है ख़त्म और अब आपको फिर से शोर शराबा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब बारिश बंद हुई हुई थी थोड़ा सा शोर शराबा कम हो गया था। चलिए आगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि हम लोगों ने 13 अगस्त और 14 अगस्त किस तरह मनाई। प्लीज मेरे दो वोट से नहीं लेके देने वाले और एक वोट वही यही वाला कंडा देने पा पा पा। लेकिन असल का मसला ये हो रहा है ना कि हसन नहीं जा रहा। जी जनाब, इधर अब 14 अगस्त स्टार्ट हो गई हुई है और आज नाश्ते में मेरे वही दो ब्रेड और एक अंडा है और साथ एक कप चाय का। तकरीबन इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, क्योंकि आज सुबह लेट सोकर उठे थे तो नाश्ते थके हुए। हाँ, रात को हम बहुत थक गए थे। तो नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए ना मैंने केक रात को ही बना लिया हुआ था और कस्टर्ड बनाने के बाद इसको हम मैंने और एमन ने मिलकर डेकोरेट किया था और फ्लैग बनाया था इसके। हाँ, जेली से एंड क्रीम से हमने इसका वाइट पोर्शन इसका सेट किया था एंड जेली से थे हमने इसका ग्रीन पोर्शन सेट किया था और ऊपर से हमने जो झंडा वाला था वो हमने बनाया था चॉकलेट चिप से, वाइट चॉकलेट चिप से वो हमने बनाया था। और साथ ही मैंने बनाई थी बिरयानी, मटन बिरयानी, और साथ बनाया था हमने रोस्ट, बनाया था चिकन रोस्ट बनाया था। यहाँ पे हमसे स्टार नहीं बन रहा था, इतनी मुश्किल से मैंने स्टार बनाया था।
फिर भी उसकी शेप अजीबोगरीब ही लग रही थी। ये देखें, हमने क्रीम से इसका वाइट पोर्शन कवर कर लिया है। और आपने वीडियो के शुरू में तो देखा ही होगा, देखा होगा। सर, मैंने जब से हम बाजार शॉपिंग करने जाते थे या बाहर जाते होते थे ना, हसन जब भी बाहर जाता होता था मुझे आगे कहता था बाजा ला दे, मुझे भी बाजा ला दे, बाहर जाता हूँ तो बाजा होता है। तो मैंने इसको नहीं ला के दिया था क्योंकि मुझे पता था कि जी सिर मेरा सिर दर्द है कि हर वक्त इसने बाजा बजाना है और ना इसे मुझसे ना गुस्से, मैंने इसको गुस्से होना है। लेकिन आखिरकार जब हम 13 अगस्त को बाहर निकले ना, बाहर इतना शोर शराबा था बाजे का कि ये लड़का रो पड़ा कि मुझे तो बाजा लेके दें इसी वक्त, बाजा देता लगता है। और वाकई जब निकले ना कल हम 13 अगस्त को बाहर, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना 14 अगस्त जो है ना बगैर बाजे के हो नहीं सकती थी, बाजा डे है। और मैं बाहर बच्चों को हंस रही थी कि लग रहा है कि आज तो कोई बाजा डे है कि हर बंदा जो है ना उसके हाथ छोटा बाजे लेके ना बाहर निकला हुआ था और बस बाजे। और वाकई अल्लाह भला करे उस बंदे का जिसने ये बाजा जात किया है, और अगर ये बाजा ना होता ना तो मेरे ख्याल से 14 अगस्त नहीं मनाई जा सकती थी। और वाकई हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस 14 अगस्त को, बहुत इंजॉय किया है। और यहाँ पर बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, मटन बिरयानी, और उसके साथ स्टीम रोस्ट है हमारा जो कि तैयार हो गया है। ये है हमारा आज का लंच था। हाँ, और आज मैंने कहा था कि आज स्पेशल लंच बनाएंगे। और इधर जनाब, इधर खाना वगैरह मैं उधर किचन में बनाई थी, और बच्चियां जो थी ना इधर हसन के फ्रेंड्स वगैरह आ गए हुए थे सब, तो फिर पेंटिंग करना शुरू कर दिया था कि बच्चों के फेस के ऊपर फेस पेंट वगैरह यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे जमजम कर रही थी बच्ची के फेस पर, एक फ्लैग वगैरह बना रही थी, एंड दूसरी साइड पर जस्ट उसने एक ग्रीन एंड वाइट कलर की लाइन लगा दी थी रिप्रेजेंटिंग का फ्लैग के जो कलर्स होते हैं, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और बच्चों ने बड़े शौक से ना अपने फेस के ऊपर ये सब कुछ बनवाया था। और वाकई ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना आपको अपनी चीज़ को ना बहुत अच्छा कर लेते हो, क्योंकि बच्चे मुझे नहीं इतनी उम्मीद थी कि बच्चे इतना एंजॉय करेंगे, लेकिन बच्चों ने वाकई आज का दिन जो था ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था जी। जब तक ऐसी चीजें ना हो तो बच्चों का क्या नाम है उनका दिन गुजरता हाँ नहीं है, उनको लगता भी नहीं है कि आज कोई स्पेशल डे है। और देखिए हम अपने बच्चों की बर्थडे वगैरह इतने वो करते हैं, एहतमाम वगैरह करते हैं, इतने तरीके सेलिब्रेट करते हैं बड़ी बड़ी। हाँ, तो आज तो फिर इंडिपेंडेंस डे था, हम आजाद कौम है, तो वाकई आप फीलिंग आती है अगर आप इस तरह सेलिब्रेट करते तो आपको याद रहता है। हाँ, और ये चीज़ें करने से आपके बच्चों में भी वो चीज़ आती है कि यार वाकई आज कोई स्पेशल डे है जो हम यूँ तैयार हो रहे हैं, और बच्चों में भी एक जोश आता है कि आप हमें उन लोगों से पूछ रहे, लाइक हमें कश्मीरियों से पूछना चाहिए कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है जी। और यहाँ पे देखें थी क्यूट सी बच्ची हाँ, बैठी हुई है सिमल। हाँ, और ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इसकी बातें इतनी प्यारी होती है ना, इतने प्यार से बोलती है ना। पाकिस्तान सबसे छोटा बच्चा केक काटेगा। Go, go, go.
हो। जनाब इधर हम लोगों ने खाना सर्व कर दिया क्योंकि केक काटने के बाद बच्चों को भूख लग गई थी, तो फिर हम लोगों ने उन्हें खाना सर्व किया और फिर बच्चों ने खाना खाने के बाद तो फिर उनको स्वीट डिश मैंने दी और फिर उसके बाद बच्चों ने फ़न किया, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। जी इन्होंने इतना मिली तराना वाला पढ़ पढ़ के बेचारे बच्चों के गले बैठ गए, तो हमने कहा चले अब उन्होंने बहुत कर लिया, केक वगैरह खा लिया तो अब उनको खाना सर्व कर देते ताकि जब उनके दबाव से जान शान आए फिर वो आगे हम उनके साथ गेम्स वगैरह खेली हैं। कस्टर्ड वगैरह स्वीट डिश वगैरह सर्व करने के बाद फिर हमने उनके साथ गेम्स खेली जो आके आप आगे जाके देखेंगे, उधर भी बहुत मज़ा आया इन सारों को। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो स्पेशल थी इंडिपेंडेंस डे पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।